हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं सीटेट अगस्त 2023 में जो होने वाला है उसके लिए सीटीपी के टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम इस वीडियो में आपको कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहें। और हाँ, इससे अलग हमने पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करा रखे हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सीटेट जुलाई 2023 के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आपको पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ भी हमने क्लासें करा रखी हैं। और हाँ, आज हमारी एक पहली क्लास है, यह आपका फाइनल रिवीजन चल रहा है जो अगस्त 2023 में आपका पेपर होने वाला है सीटेट का। इसमें सीटीपी के टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट अगस्त 2023 सीडीपी बाल विकास क्लास, ये हमारी पहली है। टारगेट 30 में 30 लेकर चलना है, पेपर वाले प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सीटेट 2023 में जो होने वाला है उसके इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त वाह शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन स्वभाव व्यवहार तथा बुद्धि क्या जो जीवित प्राणियों के जीवन स्वभाव व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। यह किसने कहा था? डगलस के अनुसार यह है। क्वेश्चन नंबर 2, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का यह कथन है। क्या कथन है? कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ये जेम्स ड्रेवर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति कहलाती है, यह कहलाती है आपकी प्रत्यागमन। क्या प्रत्यागमन क्या है? इसका है कि प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति है, यह कहलाती है आपकी प्रत्यागमन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, क्वेश्चन को एक बार देखें कि जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो इसका आंसर है प्रत्यागमन। क्वेश्चन नंबर 5, ये अभी हमने जो तीसरा क्वेश्चन देखा था वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? यह कथन वीएन झा का। वीएन झा कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्वेश्चन नंबर 6, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 7, रूसो के शिक्षक संबंधित विचार पुस्तक से मिलते हैं, रूसो के शिक्षक संबंधित विचार पुस्तक से मिलते हैं, यानी किस पुस्तक से मिलते हैं आपके? वो है एमिल, एमिल से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी, किसने लिखी है? जॉन डीवी की है। किसकी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? वह जॉन डीवी की। क्वेश्चन नंबर 9, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है, एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है क्या? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक होता है कि उसको विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। रूसो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वंशानुगत रोग है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वंशानुगत रोग है वर्ण अंधता और हीमोफीलिया, यह आपका वंशानुगत रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है कौन? लाल व हरे रंग में
भेद नहीं कर पाते हैं। कौन? वर्णांधता का रोगी। किसका? वर्णांधता का रोगी, वो लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में चोट लगने या कटे जाने पर रुधिर स्त्राव बंद न होना बीमारी है किसकी? हीमोफीलिया। यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है तो मनुष्य में चोट लगने या कटे जाने पर रुधिर स्त्राव बंद नहीं होता है, तो ये आपका हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 14, वंशानुक्रम की इकाई है जीन। वंशानुक्रम की इकाई जीन है। क्वेश्चन नंबर 15, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था लेमा। कौन? लेमार्क विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 16, वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे। वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपके वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की? तो वो की थी मटर के पौधे पर। तो 17 का राइट आंसर मटर का पौधा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अनुवांशिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाल विकास जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है वो आपका अनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 19, शिशु की औपचारिक संस्था है विद्यालय। शिशु की औपचारिक संस्था विद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है शिक्षा द्वारा। शिक्षा द्वारा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी क्षमता या गुण वंशानुक्रम जनित है? बुद्धि। क्या है इसका राइट आंसर? बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है? घर का। बालक की प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें उसके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव जो होता है उसके घर का होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा घर। क्वेश्चन नंबर 23, वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है व्यक्तित्व निर्माण में। व्यक्तित्व निर्माण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसका? घर का। घर का भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? जैसे ही घर में बच्चा सीखता है उसी तरीके से वो बढ़ता करता है। तो कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा जब व्यक्ति में बच्चे में भाषा का विकास होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा घर का प्रभाव पड़ता है। जैसे घर के लक्षण हों उसी तरीके से बच्चे में लक्षण आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घर का, यानी भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उसके घर का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही हम सीडीपी या अन्य किसी सब्जेक्ट की क्लास कराएंगे उसकी संपूर्ण पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसकी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 25 की तरफ चलते हैं। वर्णांत रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता? इसका राइट आंसर है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 26, पायसम सेटाइवम वैज्ञानिक नाम है उधान मटर का। किसका? उधान मटर का पायसम सेटाइवम वैज्ञानिक नाम है किसका? उधान मटर का। क्वेश्चन नंबर 27, वंशानुगत गुण है जन्मजात। जो आपका वंशानुगत गुण होता है वो आपके जन्मजात होता है। क्वेश्चन नंबर 28, संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं वो आपके 50% होते हैं किसी संतान में। यानी जब आपके दादाजी की जो संतान है आपके पिताजी, उनमें उसके गुण यानी आपके दादाजी के गुण 50% हो जाएंगे, और उसके बाद जब आपके पिताजी के गुण आप में 50% होंगे, यानी संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं 50%। तो 50% आपको आपके पिताजी से जीन प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मेंडल के नियम के प्रतिपादक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक। बालक आपके शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र हो जाएगा। ये आपके
इस वीडियो में हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहे। हम आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देंगे। अब फाइनल रिवीजन चल रहा है, फाइनल रिवीजन में आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, संभावित प्रश्न हैं। इस वीडियो में या अन्य वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आज ही, वहाँ हम सभी संपूर्ण पीडीएफ को अपलोड करते रहेंगे। और आप सीडीपी हम कराए रहे हैं, और आप पर्यावरण की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर लोगे। पर्यावरण की हमने क्लास करा दी, आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ सीटेट जुलाई 2023 के नाम से पर्यावरण की प्लेलिस्ट बन रही है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर लें। सीटेट जुलाई 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने क्लास करा रखी है, आप वहाँ से उनको क्लास को कर लें। वहाँ हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने वो क्वेश्चन कराए, आप उन क्लास को भी कर लें। तो चलिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए धन्यवाद। सीटेट जुलाई 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने क्लास करा रखी है, आप वहाँ से उनको क्लास को कर लें। वहाँ हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने वो क्वेश्चन कराए, आप उन क्लास को भी कर लें। तो चलिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए धन्यवाद। सीटेट जुलाई 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने क्लास करा रखी है, आप वहाँ से उनको क्लास को कर लें। वहाँ हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने वो क्वेश्चन कराए, आप उन क्लास को भी कर लें। तो चलिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए धन्यवाद। सीटेट जुलाई 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने क्लास करा रखी है, आप वहाँ से उनको क्लास को कर लें। वहाँ हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने वो क्वेश्चन कराए, आप उन क्लास को भी कर लें। तो चलिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए धन्यवाद।